बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। थैंक यू सानिया। ये जो ईद रही इस बार की बड़ी खास रही होगी आपके लिए। एक तो मिक्स डबल्स में आप नंबर वन प्लेयर हैं, विंबलडन आपने जीत लिया और साथ ही साथ आपके जो हस्बैंड ने उनकी जो टीम है क्रिकेट टीम उन्होंने भी सीरीज जीती, तो ये ईद तो बड़ी खास बन गई आपके लिए। ईद हमेशा खास ही होती है लेकिन यस थैंक यू, बहुत अच्छा लास्ट दो हफ्ते रहे हैं हमारी फैमिली के लिए सोचो से और मेरे लिए खुद के लिए पर्सनली इट्स बीन वेरी वेरी यू नो फुलफिलिंग क्योंकि ना ही मैं नंबर वन प्लेयर बनी इस साल बट विंबलडन का खिताब भी जीतना बहुत मेरे लिए मायने रखता है और मैं ये एक हर बच्चे का ख्वाब होता है तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड या शोएब की टीम भी सीरीज जीत गई तो वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं सो इट्स बीन वेरी गुड ईद। सानिया जैसे विंबलडन आपने जीता तो आपने कहा कि एक बचपन से बच्चा जब टेनिस खेलता है तो वो सोचता है ग्रास कोर्ट में जीते विंबलडन जीते और आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, यूएस ओपन जीता था, फ्रेंच ओपन जीता था, आपको भी लग रहा था कि ये एक ऐसी चीज है विंबलडन जिसे जीतना बहुत जरूरी है, वो आपका ड्रीम है। आई थिंक विंबलडन जीतना हर बच्चे का ख्वाब होता है जो टेनिस रैकेट उठाता है तो फॉर मी इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू और जैसे आपने कहा मैंने तीन दूसरे ग्रैंड स्लैम जीते थे तो मेरे लिए ऑब्वियसली बहुत स्पेशल था ये वाला विंबलडन जीतना। मार्टिना हिंगिस जो है वो इंडियंस के साथ बड़ा अच्छा पेयर बना रही है, आपके साथ जीत लिया विमेंस डबल्स, लिएंडर पेस के साथ भी जीत लिया, तो ये उनकी ट्यूनिंग आपके साथ कैसी रहती है, कैसे आपने मतलब उनको ढूंढा और एक अच्छी ट्यूनिंग बनाई उनके साथ? नहीं एक्चुअली ढूंढा नहीं, हम दोनों दुबई में हमने बात की ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद एक दूसरे से खेलने की और एक हफ्ते बाद हमने डिसाइड किया कि हम खेलेंगे तो और जो पहले तीन टूर्नामेंट हमने खेले वो तीनों जीत गए एज अ हैट्रिक तो हम दोनों की गेम्स एक दूसरे को सूट करती है, टेम्परमेंट एक दूसरे को सूट करता है, ऑन एंड ऑफ द कोर्ट हम कंपैटिबल है सो इट रियली हेल्प्स तो एंड आई थिंक जो मेरे स्ट्रेंथ्स और मार्टिना के स्ट्रेंथ्स है दे कंसोलिडेट ईच अदर तो इसी वजह से वी प्ले वेल टुगेदर। सानिया एक चीज़ और है कि अभी जो खबर आ रही है वो ये कि आपको राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल सकता है इस साल का, तो ये अगर एक अवार्ड और मिलेगा आपको तो सोने पे सुहागा आपके लिए, अर्जुन अवार्ड आपको मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है। नहीं ऑब्वियसली आई थिंक यू नो ये पुरस्कार मिलना बहुत बहुत ही ऑनर की बात है और अगर ये मुझे मिलता है देन आई वुड बी यू नो वेरी ऑनर्ड फॉर पीपल टू गिव मी दिस रिकग्निशन सो आई एम या आई वुड बी वेरी हम्बल्ड एंड वेरी ऑनर्ड। अच्छा सानिया जब आपने विंबलडन जीता हम लोग तो यहाँ पे खुशियाँ मना ही रहे थे, सारे जश्न में डूबे हुए थे, तो हम जब सोशल मीडिया में गए तो पाकिस्तान की तरफ से बड़े कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको वहाँ पे थे, किसी ने लिखा था सानिया भाभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। एक चीज़ ऐसी है सानिया मिर्ज़ा हमारे देश की प्लेयर हैं, पाकिस्तान भी उससे बड़ा खुश होता है, तो जब आपको वहाँ से भी बधाई संदेश मिलते हैं, देश से भी बधाई संदेश मिलते हैं, तो कैसा फील करते हैं आप? नहीं आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, आई थिंक इट्स रियली गुड कि दोनों कंट्री सेलिब्रेट कर सकते हैं व्हेन आई विन एंड आई एम ग्लैड। मुझे बहुत सारे जैसे आपने कहा बहुत सारे कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी आते हैं वहाँ से और ट्विटर पे और फेसबुक पे सो इट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। अच्छा जब आपने विंबलडन जीता तो आपके हस्बैंड से आपकी बात हुई होगी, उन्होंने किस अंदाज में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा? मेरे हस्बैंड से हाँ किस अंदाज़ में कहा ये तो मैं आपको टीवी पे नहीं बताऊंगी लेकिन उन्होंने